आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए, सिर्फ हम दोनों ने, आज हम लोग फैमिली पिकनिक जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अंबेडकर भवन जो कि एरोली में है, इसके बाद हम जाने वाले हैं थाना में जो ग्रैंड सेंट्रल पार्क बना है जिसकी ओपनिंग हमारे सीएम एकनाथ शिंदे जी ने 2 फेब को किए थे, तो वहाँ पे भी हमें जाना है। ये जो फाउंटेन है मम्मी वो तो चालू, फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक एरोली जो कि 56 करोड़ रुपीज का बना है। सवेबा कैसा लग रहा है तुमको? अभी अंदर गई नहीं ना, अंदर तो जाने दे। मैं कई दफा यहाँ पर आ चुका हूँ, मेरी फैमिली जो है वो पहली बार आई है। yes. स्वाति भी। ए स्वाति अलग से क्यों बोल रहे हो, मैं फैमिली नहीं हूँ। अरे मतलब अभी तुम फिलहाल मेरे साथ हो ना। वाओ कितना मस्त है गार्डन। तुम्ही कधी आले होते? एक तास झाला, तुम्ही कार मध्ये होते आणि आम्ही आलो 2-व्हीलर ने। तुझे मेरी मम्मी है जो पहिली बार आई है डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक। हे स्मारक किती रुपयाचं बनलं तुला माहिती आहे का? नाही माहिती। हे 56 करोड रुपयामध्ये बनलेले, 56 करोड। पण याला बनायला ह्या लोकांनी 10 वर्ष लावले, तर खूप लेट झालं। वरती झेंडा का नाही लावला? अरे मम्मी हे स्मारक आहे। हा झेंडा झेंडा लावायला पाहिजे, त्याने आयडिया छान आहे तशी तुझी, लक्षात लगेच आलं असतं ना। आयडिया तर छान आहे तुझी, स्मारक झेंडा नाही लावला तो मेरी मम्मी ने एक अच्छा आयडिया दिया है ना। ऊपर एक बहुत बड़ा फ्लैग लगा सकते हैं, नीला फ्लैग, क्योंकि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी का स्मारक है। आइडिया चांगली है तुझी। यहाँ से लिफ्ट है, हम लोग सीढ़ियों से आए थे। किताबे है ना, ये कौन है पता है बेबा? रामजी अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर जी के पिताजी। यस देखो ना वहां पर सब लिखा हुआ है। सेकंड टाइम फिरते हैं आमच्यामुळे। काय काय वाचन केलं? दीड तास सर्व वाचत होता, स्कॅन केलं।
जायचं काय? यही से बेबा। अरे इथं म्हणजे आपली निशाणी जावायला पाहिजे होती ना फ्लॅटची। अच्छा म्हणजे कळायला असत ना इथं म्हणजे बौद्ध बाबासाहेबांचे। प्यार वाली बात नहीं भाई, खाता नहीं हाथ से। चलेगा, आई डोंट माइंड। मम्मी ए पप्पाच नेहमी मध्ये येतात, मम्मीचं नाव घेतलं पप्पाचा मटन किमा चिकन मुंडी चेतन ओ चेतन बाबा